अस्सलाम वालेकुम, गुड फॉर यू ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने आईपी एड्रेस का कैसे पता चला सकते हैं कि आप इस वक्त किस जगह पर मौजूद हैं, आपका डाटा कहाँ पर शो हो रहा है, आपकी लोकेशन क्या है, आपको ट्रेस करने के लिए कौन सी लोकेशन, कौन सी आईपी पे आप अपना इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि जो भी इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला है वो इस बात को ज़रूर यकीनी बनाए कि आप अपने आईपी एड्रेस के बारे में जान लें। आईपी एड्रेस होता क्या है? आईपी एड्रेस एक फिक्स आईपी होती है, एक एड्रेस होता है, जिस तरह आपका कोई नाम है, आपको उस नाम से पुकारा जाता है। आपको उस नाम से कहीं पे अगर कहा जाए कि फ़लां नाम का बंदा हमें चाहिए, तो वो किसी और का नाम नहीं लेंगे, वो आपके पास ही लेके आएंगे। सेम वैसे ही है आईपी एड्रेस, अगर कोई मसला मसाइल हो जाए तो कहे कि यार ये बंदा इस आईपी से हमें कनेक्ट में था, इस आईपी से हमें हमसे कनेक्टिंग में था, तो आपको उसी आईपी के हिसाब से आपको ट्रेस करेंगे। ट्रेस करने के बाद आपको पकड़ा जाएगा या आपको शो किया जाएगा या आपकी आईपी को ही बताया जाएगा कि इस आईपी से हमें ये बंदा ने मेल की, या ये बंदे की उस वक्त लोकेशन थी जिस वक्त इस बंदे ने हमें मेल की थी। तो पहले हम ये चेक करें कि आईपी को कैसे पता लगाया जा सकता है कि हमारी आईपी क्या है। तो उसके लिए माई आईपी एड्रेस, माई आईपी एड्रेस ये देखिए हमारे पास आ गया, आपके पास भी आ सकता है, लेकिन मेरे पास पहले से ये टाइप किया हुआ था इसलिए माई आईपी एड्रेस आ गया। इसको मैं इंटर कर लेता हूँ। इंटर करने के बाद ये देखें माई आईपी एड्रेस, व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस .com, ये हमारे पास वेबसाइट ओपन हो गई। इसी वेबसाइट को आपने फॉलो करना है और इसको क्लिक कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। ये देखें व्हाट इज़ माई आई पी एड्रेस .com, यहाँ पे इंटर यूअर कीवर्ड और आई पी एड्रेस भी डाल सकते हैं, लेकिन आप ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा चेक करें कि ये क्या लिख रहा है। माई आई पी एड्रेस, ये आई पी एड्रेस है मेरा, इस आई पी से मैं इंटरनेट में कनेक्टेड हूँ, इस ये आई पी मेरी शो हो रही है जिसकी वजह से मुझे इंटरनेट मुहैया है, मैसर है। ठीक है, जो आईपीएस, जो इंटरनेट सर्वर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है साइबर इंटरनेट का, ठीक है, साइबर इंटरनेट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद मेरी सिटी जो है रहीमियर खान है, और मेरा रीजन जो है पंजाब, और मेरी कंट्री पाकिस्तान है। आप इस तरह से अपनी आईपी एड्रेस को ट्रेस कर सकते हैं, किसी के आईपी एड्रेस को पता लगाने के लिए कि आपकी आईपी एड्रेस क्या है, उसको आप जब सर्च करेंगे तो वो आपको बताएगा इंटरनेट। अगर यहाँ पे आके लिख देते हैं आईपी एड्रेस में तो ये आपको यही जगह ही बताएगा। चलो हम इसको आप कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी से पेस्ट किया और इसको सर्च कर दिया, ठीक है, सर्च के बटन को प्रेस कर लेते हैं। तो ये देखें अब ये किस तरह का हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, पहले किस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहा था। ये देखें ये आईपी एड्रेस आ गया, ठीक है, ये डोमिसेल आ गया, ये होस्ट नेम आ गया, होस्ट नेम मतलब आईपी नेम, ठीक है, ये एएसएन, ये कोड आ गया, साइबर इंटरनेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉन डिटेक्टेड सर्विसेज कोई डिटेक्ट नहीं की, टाइप ब्रॉडबैंड है, ठीक है, कॉन्टिनेंट एशिया, कंट्री पाकिस्तान, रीजन स्टेट पंजाब एंड सिटी रहीमियर खान। ये लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी दे रहा है कि रहीमियर खान की जो लोकेशन बनती है, जिस आईपी से हमें इसने पिक किया है, उसकी लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ये है, ठीक है, नॉर्थ एंड ईस्ट, वेस्ट, साउथ, एशिया, जो भी होता है ये लॉन्गिट्यूड एंड लेटिट्यूड लाजमी होता है। तो ये इस तरह से आप अपनी आईपी एड्रेस को पिक कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें हमने जो आईपी एड्रेस लिखा था उसके आगे थोड़ी सी चेंजिंग करके देख लेते हैं कि ये फिर क्या बताता है, ठीक है, ये 36 की बजाय हम 38 कर देते हैं, 38। अब देखें हमें क्या लोकेशन देता है, क्या बताता है हमें, वेट कर लेते हैं। ये देखें जी ये अब हमारा 36 था, उससे इससे पहले हमारा 36 था, अब हमारे पास 38 है। 38 में क्या बता रहा है, ये भी रहीमियर खान में बता रहा है, ये कोई रहीमियर खान में आईपी यूज़ कर रहा है, ठीक है, इस तरह आपको भी बताएगा कि इसकी आईपी ये है, फलां आईपी से ये कनेक्टेड है। इस तरह से आप अपना आईपी एड्रेस मालूम कर सकते हैं।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं, और इसको चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। अब मसला आ गया, आप इसको चेंज कैसे करेंगे। चेंज करने के लिए बहुत ही एक अच्छी ऐप होती है, जो होती है VPN जिसे कहते हैं, ठीक है। VPN अपनी ऐप को, अपनी लोकेशन को चेंज करने के लिए होता है। बाज़ औक़ात आपने सुना होगा हैकर्स जो हैं VPN यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में VPN का इस्तेमाल करना सीखेंगे कि VPN को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी लोकेशन से आप कैसे गायब हो सकते हैं, ताकि किसी को आपका पता भी ना चले और आप इंटरनेट भी इस्तेमाल कर रहे हों। आप बैठे पाकिस्तान में हों लेकिन USA का VPN यूज़ कर रहे हों, अगर आपको कोई पकड़ना चाहे तो नहीं पकड़ सकता, क्योंकि आप पाकिस्तान में बैठे हैं इंटरनेट पर घुमा फिरा के, आप अपनी बात को घुमा फिरा के VPN यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपको बहुत मुश्किल से पकड़ सकता है। हैकर्स फिर भी पकड़ सकते हैं, लेकिन आम बंदे के पहुंच से आप बहुत दूर हो जाते हैं। इस तरह से किसी को नहीं मालूम होगा आप कहाँ बैठे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं, आपकी लोकेशन क्या है, आपका लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, किसी को मालूम नहीं होगा। IP एड्रेस VPN ये काम करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि VPN कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और हमारे चैनल को ज़रूर 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 से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नई और अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।